मुजफ्फरनगर की रणभूमि में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। कुछ ही देर बाद चुनावी शोर थम जाएगा और चुनावी शोर थमने से पहले पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मैं दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ जीप पर सवार होकर निकले अपने लोगों के बीच और कह रहे हैं कि इस बार नैया पार लगा दीजिए। हरेंद्र जी, क्या लग रहा है चुनाव? ये जनता और सत्ता का चुनाव है, जनता जीतेगी। जनता जीत रही है, सत्ता भाग रही है। गरीब जाग रहा है और जो आग इन्होंने लगाई थी उसको बुझा दिया गया है। इन्होंने पूरी कोशिश की, हिंदू मुसलमान में चुनाव नहीं बटा, जाट नॉन जाट में चुनाव नहीं बटा, कोई प्रभाव किसी का नहीं पड़ा। यहाँ केवल कमेरे और लुटेरे का चुनाव है, सम्मान और अपमान का चुनाव है। जो सम्मान पसंद लोग हैं वो मेरे साथ हैं और जो अपमान पसंद लोग हैं वो वहाँ हैं। किसकी तरफ? अब देखिए, भाजपा के साथ है। अच्छा, क्या बात है, दोनों प्रत्याशी एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे। थोड़ा सामान्य शिष्टाचार बचा है। अच्छा। और नाम तो लेते नहीं। दुख एक बात का है कि हम तो, ये हमारा 17वां चुनाव है, हमने कभी सामान्य शिष्टाचार नहीं छोड़ा, हम हमेशा शिष्ट रहे हैं। इन्होंने हमें माफिया कहा और माफिया कहने का इनका आशय, इनका जो आशय था वो आशय दो ही होते हैं। जब भाजपा किसी को माफिया कहती है या तो उसके ईडी भेजती है, वो हमारा आएगी नहीं, क्या मिलेगा, खुरपा फावड़ा, या दूसरा है तो उसका सफाया करना। इन्होंने हमारे जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और एक दिन तो हद हो गई कि मेरा 12 साल का पोता कोई बुला लेगा? वहाँ 20 लड़के लगा दिए इन्होंने, हमने उसे फिर दिल्ली भेज दिया, तू चला जहाँ चुनाव से। वो बेचारा 12 साल का लड़का है, 8वीं का इम्तिहान दिया है, पंकज का बेटा, उसे कुछ जाट ले गए, एक दिन ठाकुर ले गए, भाई चल तुम्हारे यहाँ चल प्रचार, वो खंडा नहीं जानता, उसे कहा तुझे ये कहना। तो ये तो घटिया लोग हैं, इनसे अभी भी आज भी हम लोगों को खतरा बना हुआ है। और आज तो पैसा बांट रहे हैं, आचार संहिता तार तार है, ये रोजाना सरकारी डाक बंगले में बैठ कर के मीटिंग बुलाते हैं, कभी प्रधानों को बुला के धमकाते रहे सबके सामने, कभी इन्हें धमकाते रहे डीलर को, जो गांव के लोग उसे थानेदार बुला के लाता है डीलर को। अब चलिए, आयोग में शिकायत की, सबको कह लिया, कोई कार्रवाई नहीं। देखे, आयोग भी तो डीएम के भरोसे ही चलेगा। अरे खुद प्रत्याशी की जो धर्मपत्नी जी है, आदरणीय सुनीता देवी जी, वहाँ जहाँ पढ़े लिखों की वोट पड़ रही थी ड्यूटी वालों की, उसमें बूथ में घुस गई, उसके फोटोग्राफ से वीडियो, आज तक कोई FIR नहीं। ना तो वह उम्मीदवार है, ना उम्मीदवार की मुख्य अभिकर्ता है, ना वो पोलिंग एजेंट है, तो सी हैज नो राइट। और वो घुसी, उल्टा जो वीडियो बनाई उसकी गाली देते हुए धमकाते हुए की, वह डिलीट करा दी प्रशासन ने। तो किसके सामने पैसा बट रहा है, रोज बट रहा है। तो ऐसे में कैसे मुकाबला करेंगे हरेंद्र? जनता हमारे साथ है, कितना पैसा बांटेंगे बाबा? हमने कहा सब जगह CCTV कैमरे लगे हैं, जो पैसा लेके आओ उसे लेकर बैठ जाओ, बांट पकड़ लो। दूसरा कहा है कि अगर पैसा दे कोई गरीब आदमी, ले लो पैसा, वापसी की मेरी गारंटी, वापसी नहीं होगा, वोट उसे मत देना, वोट हमें देना, वो देंगे साइकिल की, वो कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, अगर बात करें 2019 से और 2024, कितना चुनाव अलग मानते हैं? 2019 और 2024 के चुनाव में दो अंतर है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, यू आर फर्स्ट पर्सन। जो 2019 के चुनाव में बहुत बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, अब बहुत बड़ा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। नेता कार्यकर्ताओं के भरोसे थे, मैं इनमें से आधों के नाम जानता हूँ जो लोग ये घूम रहे हैं। तो कार्यकर्ता नेता में अंतर होता है, उनके साथ धोखा हुआ, जो हमारे जो निचले स्तर के लोग थे वो इन्होंने मैनेज कर लिए उस समय, और उसमें वो काम नहीं हो पा, फिर इन्होंने नतीजे बदल दिए, बेईमानी से नतीजे बदल दिए, और नतीजे बदल करके बागपत और मुजफ्फरनगर हरवाए इन्होंने। नहीं, बागपत भी RLD जीत रही थी और मुजफ्फरनगर भी जीत रही थी, तो वो यहाँ बेईमाना नहीं होगा। लेकिन RLD वाले तो BJP के साथ चले, वक्त वक्त की बात है,
मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन इससे चुनाव पे आपको नहीं लग रहा सर? कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ा। दुख जरूर होता है जब आरएलडी के नेता को चौथे स्थान पर बैठा जाता है, संजीव दूसरे स्थान पर बैठता है, जब आरएलडी के नेता को डेढ़ घंटा पहले अमित शाह जी की अगवानी के लिए भेज दिया जाता है, दुख होता है। वो एक पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है हमें, और दुख होता है। याद आता है आरएलडी ने चौधरी चरण सिंह का सामान इसी बीजेपी ने उठा के फेंका था। ऐसा पहला एक प्रधानमंत्री है जो आज तक चरण सिंह की समाधि पे नहीं गया। हमें हाथरस भी याद है, जब वो गए थे तो हाथरस में लाठी चार्ज भी इन पे ही हुआ था। हमें यह भी याद है कि 2019 के चुनाव में जो सम्मान का प्रतीक थी आदरणीय श्रीमती चारू चौधरी जी, उन पर इन्होंने लाठी बजाई थी और वो बच गई थी इसलिए कि हमारे समर्थक आग गाड़ गए थे। आज तक वो मुकदमा आप इसलिए वे लोग जमानत पे हैं जिन्होंने जान बचाई थी, उल्टा उन्हीं पर मुकदमा हो गया था। तो जो लोग अपनी मान मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते वो उनके बारे में हम क्या चर्चा करते हैं। क्षत्रियों की पंचायत हुई, वहां पे ऐलान किया गया कि भाई हरिंदर मलिक को वोट दे। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अपनी जान दे करके भी उनके सम्मान की रक्षा करूंगा, उनका स्वाभिमान की रक्षा करूंगा, उनकी बेहतर सेवा करूंगा। बड़ा एहसान उन्होंने मेरे ऊपर किया है, जो उन्होंने मुझे विश्वास जताया है। आपने देखा मैं तो वहां था भी नहीं, जो विश्वास जताया उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और ये कोई नया नहीं है, क्षत्रियों का साथ पहले से रहा है मेरे साथ। आपके साथ? हाँ, पहले रहा है। मैं 4 बार MLA बना और 1 बार भी बिना राजपूतों की वोट के नहीं बना, हमेशा राजपूत का वोट हमारे साथ। पंकज MLA चरथावल से है, जाट तो कुल 27,000 है वहाँ, इसीलिए कि राजपूत साथ था पंकज के। आपके साथ? अब मेरे साथ है 36 कोम में। देखिए भाई साहब, हम लोग 36 कोम में थोड़ा थोड़ा वोट हम लेते हैं, समूह में वोट सबका है, 36 कोम का वोट हमने लिया है। लेकिन जो एक बात चल रही है कि 2 जाटों में जंग है, कौन नंबर 1 है? ये कौन जाट है? संजीव बालियान। और नहीं, देखिए किस कम है, अरे चलता रहो, चलो, कमेरे लुटेरे की लड़ाई है, वो लुटेरों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम कमेरों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे साथ जाट ही नहीं है, मैं जाट नेता नहीं हूँ, मैं केवल जाट ही नहीं हूँ, मैं किसान की लड़ाई लड़ता हूँ, मजदूर की लड़ाई लड़ता हूँ। किसान जाट भी है, सही है, इसलिए जाट हूँ, जन्म से जाट हूँ, परंतु विचार से किसान हूँ और किसान की लड़ाई लड़ता हूँ। अच्छा, तो अच्छा एक चीज बताइए, साइकिल दौड़ जाएगी, सड़कें हैं? सीधा 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 जीत रहे हैं। पूरे पश्चिम में क्या? मैं मुजफ्फरनगर से बाहर देख ही नहीं रहा, आपने मेरा कोई होर्डिंग नहीं देखा होगा, पोस्टर नहीं देखा होगा, कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तो सीधा भाई यो हाथ जोड़ो और आगे चलो। अच्छा, जैसे संजीव बालियान पे पथराव हुआ था, वो कह रहे हैं कि किस तरह की राजनीति हो गई, मुझे तो उम्मीद नहीं थी इस तरीके से लोग करेंगे। वो दुखद घटना थी, हम चाहते हैं वो क्यों ही उसकी जांच होनी चाहिए। और जो ये गुंडे लेकर के चलते हैं, इनकी कारों की छाड़ पर तलाशी करा देते, होता ही ना कुछ भी। जब गांव के लोग सम्मानित लोगों पर लठ बजावेंगे लोग, तो फिर ऐसे ही होगा। वो क्या हुआ? आमने आमने सामने नहीं, वो लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में नहीं है कोई भी, कोई लड़ाई में नहीं है, हम चुनाव जीत रहे। अच्छा, ऐसा क्या है जो हरिंदर मलिक को लग रहा है कि उन्हें वोट दे रहे हैं और नहीं जीत? अरे भाई, मैं बड़ा सेवक हूँ, मैं पुराना सेवक हूँ, वो धमकाते हैं हम पुचकारते हैं, वो अपमान करते हैं हम सम्मान देते हैं। वो एक्सीडेंटल लीडर थे, हम संघर्ष के नेता हैं। आसपा कहीं है? 11 लोग मैदान में हैं, 11 कोण ये चुनाव है। आश्वस्त जी? पक्का आप देख लीजिए। अखिलेश और राहुल गांधी आज जिस तरीके से निकले? देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक तो पैसा बांट रहे हैं, ये दूसरा ये पुलिस से अल्पसंख्यक की वोट रोकने की धमकी दे रहे हैं जगह जगह, इससे चुनाव प्रभावित करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि यहाँ चुनाव शांतिपूर्वक, चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो। चुनाव आयोग से क्या मांग?
हम ये कहेंगे कि चुनाव में माइनॉरिटी की वोट ना रोकी जाए, मेजोरिटी की वोट ना रोकी जाए, सबकी वोट पड़ने का अधिकार है। लग रहा रोकी जाएगी? रोकी जाएगी, पहले भी रोकी, इस गांव में भी रोकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हरेंद्र मलिक है, बीजेपी प्रत्याशी पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि उनके साथ 36 बिरादरी की वोट है। 2019 का चुनाव 2024 से बिल्कुल अलग है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और चुनाव वही जीतेंगे। अब इनका जो दावा है और इस दावे की जो हकीकत है वो जल्दी सामने आ जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।